न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एकमात्र हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में और रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों से भी यही अपील करें। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्राथमिक सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने यह फैसला जयश्री पाटिल नाम की वकील की याचिका पर दिया है। जयश्री पाटिल ने लिखित शिकायत में यह कहा था कि परमबीर सिंह के तबादले के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और परमबीर सिंह दोनों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जयश्री पाटिल की याचिका पर फैसला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्राथमिक जांच करने के आदेश दिए हैं और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई 15 दिन में यह तय करे कि इस मामले में उनको एफआईआर करनी है या फिर नहीं। आज मैं बहुत खुश हूं कि जो उच्च न्यायालय है उन्होंने मुझे मेरी जो इंक्वायरी है, जो मेरे मैटर में जो इंक्वायरी है सीबीआई को दी है। विद इन 15 डेज सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है डायरेक्टर ने, और मुझे बुलाना है। मुझे ये कहना है अनिल देशमुख, अगर तुम होम मिनिस्टर हो, अगर तुम्हारे अंडर ये महाराष्ट्र के स्टेट पुलिस है, तो आप ये इंक्वायरी प्रॉपर नहीं करने देंगे। ऐसा कोर्ट का व्यू था और कोर्ट ने इसीलिए इसमें सीबीआई को कहा है डायरेक्टली कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें और इसमें मुझे बुलाए। और विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप विवेक, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि परमबीर सिंह की तरफ से तबादला गलत तरीके से करने का आरोप तो लगाया गया था, वसूली का भी आरोप लगाया गया था कि किस तरीके से गृह मंत्री अनिल देशमुख टारगेट दिया करते थे, ये जो अभी आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया, क्या तबादले के आरोपों को लेकर ही दिया गया या फिर वसूली के मामले में भी? गायत्री देखिए, ये इसको पूरा समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे मामले में जो वसूली का आरोप अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री लगे थे, उनके खिलाफ टोटल 5 पीआईएल बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज की गई थी, जिसमें सबसे अहम पीआईएल थी आईपीएस परमवीर सिंह की खुद। उन्होंने मांग की थी इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई की होनी चाहिए। दूसरी अहम पीआईएल थी कि जयश्री पाटिल एडवोकेट है मुंबई की, उनके साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से जो आरोप लगे हैं, एक आईपीएस अधिकारी गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है, काफी संगीन आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो पैसा ले रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो पैसा दे रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए और पूरा नेक्सस क्या है, इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो जयश्री पाटिल है उसकी पीआईएल उसकी पीआईएल इसलिए भी एक्सेप्ट हुई क्योंकि जयश्री पाटिल ने कुछ दिन पहले इसकी लिखित शिकायत मुंबई के मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में भी दी थी। उसी के आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को देनी चाहिए। 15 दिन के अंदर सीबीआई ये तय करेगी कि आखिरकार जो वसूली का आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लग रहा है, यानी वसूली के आरोपों पर और तबादले को लेकर जो आरोप परमबीर ने लगाए थे उसको लेकर, इन दोनों मामलों को लेकर हाईकोर्ट का ये आदेश है कि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करे। लेकिन क्या अब इस आदेश के बाद मान लिया जाए कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच शुरू कर देगी या फिर इस जांच को चुनौती देने के लिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का विकल्प भी बाकी है, उसको लेकर भी इंतजार करना होगा कि कहीं कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ना खटखटा दे? गायत्री देखिए, हर हाल में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर हाल में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएगी, क्योंकि ये जो ऑर्डर दिए गए हैं वो सीधे तौर पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर किए गए हैं। तो जितने भी पीआईएल हैं उसमें सब तौर पर कहा गया था अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगे थे, वसूली का आरोप लगा था 100 करोड़ रुपए हर महीने। तो महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख को बड़ा झटका मिला है बॉम्बे हाईकोर्ट से, यानी कि ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा महाराष्ट्र सरकार हर हाल में खटखटाएगी। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामला दर्ज करने के आदेश नहीं दिए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि 15 दिन के अंदर आप प्राथमिक जांच कीजिए, प्राथमिक जांच में अगर आपको लगता है कि कहीं भी गड़बड़ी हुई है और जो आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, तो आप इस पूरे मामले में मामला दर्ज कीजिए और पूरे मामले की जांच कीजिए। यानी कि सब कुछ अब सीबीआई के ऊपर डिपेंड है। सीबीआई 15 दिन में प्राथमिक जांच करेगी। अगर सीबीआई को लगता है कि जो आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के ऊपर, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं और वो आरोप सही है, या सीबीआई को कुछ तथ्य या एविडेंस मिलते हैं, तो सीबीआई 15 दिन के अंदर, यानी सीबीआई सीधे तौर पर फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। 15 दिन में यह तय होगा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज भी होनी है या फिर नहीं। लेकिन इस सब के बीच ये बड़ा झटका महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए माना जा रहा है, क्योंकि परमबीर की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को लेकर
हाई कोर्ट की तरफ से जयश्री पाटिल की याचिका पर यह फैसला दिया गया कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। और आइए बढ़ते आगे, बात एक बार फिर से कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। कोरोना वायरस का कहर देश में थम नहीं रहा है, कोरोना की रफ्तार लगातार डरा रही है। बेकाबू कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और इस सबके बीच एक अहम खबर आपको बता दें कि देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1,00,000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए। रविवार को देश में 1,03,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। इससे पहले 17 सितंबर की 98,000 से ज्यादा मरीज मिले थे। साफ है कि कोरोना की नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इससे पहले अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एक दिन में 1,00,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। 24 घंटे में 478 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो लगातार आंकड़े डरा रहे हैं। पहले सिर्फ अमेरिका जहां 1,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, लेकिन इस सबके बीच अब जो अहम जानकारी मिल रही है वो ये कि देश भर में पिछले 24 घंटे में 1,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 478 लोगों की मौत हुई है। और चलिए सीधा महाराष्ट्र की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ लोखंडवाला मार्केट से जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र क्योंकि नंबर वन पर बना हुआ है, सबसे ज्यादा केसेस यहां पर सामने आ रहे हैं। कल सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल अभिषेक यही है कि लोग तो अपील को मान नहीं रहे। कई तस्वीरें हमने देखी सुबह से अब तक, लेकिन इस सबके बीच स्थानीय प्रशासन पर जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो इन नियमों का पालन करवाए। फिलहाल जमीनी हकीकत इस वक्त क्या दिखाई दे रही है? देखिए, इस समय मैं हूँ लोखंडवाला मार्केट के पास और यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो लोग बाइक से भी जा रहे हैं, ये देखिए, जो लोग बाइक से जा रहे हैं वो बिना मास्क के जा रहे हैं। जो लोग जिन लोगों को गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा गया है वो भी बिना मास्क के फॉलो कर रहे हैं, और जब उन्हें कैमरा दिखता है या बीएमसी के अधिकारी या कर्मचारी दिखते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि तुरंत इसको लगा लेना चाहिए। यानी फाइन के डर से लोग मजबूर हैं कि मास्क लगाएं, जबकि सरकार ये लगातार कह रही है अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में आपको लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। बावजूद इसके लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, और अमूमन यही हाल पूरे मुंबई भर का है। हर मार्केट में जितनी भी सब्जी मार्केट है या दूसरे मार्केट्स हैं उन सारी जगहों पर यही हाल है। हालांकि रेस्टोरेंट वगैरह सारी चीज़ें बंद कर दी गई, लेकिन बावजूद इसके देखिए जो बिना मास्क के जा रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर अगर कैमरामैन को चाहूँगा तस्वीरें दिखाए, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। तो अब सरकार भले ही कोशिश कर रहे, हालांकि अब प्रशासन की जिम्मेदारी या पुलिस की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब लोगों को सख्ती पेश आनी पड़ेगी। बिना सख्ती के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और कल जिस तरीके से केसेस आए, 11,000 केसेस मुंबई में आए, जबकि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो करीब 47 से 48 हज़ार केसेस आए। यानी एक एक दिन में 50-50 हज़ार केस पूरे महाराष्ट्र भर में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार सख्त हो गई है, हालांकि लॉकडाउन ना हो इसको लेकर के लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो डराने वाली हैं। तस्वीरें डराने वाली है, अभिषेक, नहीं मान रहे हैं लोग, और यही वजह है कि नियमों को सख्त किया गया। और आप तो सुबह से वहां पर लगातार डटे हुए हैं, उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे दिखाई दिए जो उल्टा बहस करते हुए नजर आए। मास्क मुंह पर नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। अब सवाल यही है कि इन लोगों पर नियमों का पालन करवाने की जो दबाव है वो कैसे डाला जाए, कैसे स्थानीय प्रशासन इनको नियमों का पालन करवाए। ये जिम्मेदारी क्योंकि स्थानीय प्रशासन की है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और हर रोज नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और इस सबके बीच सख्ती भी बढ़ती हुई दिखी। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए नई गाइडलाइंस भी जारी की है। सरकार ने एक बार फिर राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला लिया है। तो वहीं दफ्तरों के लिए अलग नियम बनाए जाएंगे। राज्य के सभी पार्क और खेल मैदानों को बंद करने का भी फैसला हुआ है। थिएटर भी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, जबकि रात में केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही आने जाने की इजाजत होगी। महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, और यही वजह है कि लगातार बिगड़ते इन हालातों के बीच ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। नई गाइडलाइंस के तहत तमाम वो नियम लागू किए गए हैं ताकि कोरोना की इस रफ्तार को कम किया जा सके। ये लॉकडाउन थोड़ी है, ये तो हमने जो गाइडलाइंस है उसको कड़क किया है, जो एसओपी है उसको कड़क किया है। इंडस्ट्री किस तरीके से चलना चाहिए, इंडस्ट्री में कितने लोग होने चाहिए और उतने लोगों की जवाबदारी किसकी होनी चाहिए,
आज अगर केसेस बढ़ते हैं तो सब में इसका सहयोग होना चाहिए। तो इसको तो लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन तो उससे कहते हैं कि कंप्लीटली सारी चीज़ें शट डाउन करें। हमने हमारा रिस्ट्रिक्शन बहुत कड़क किया, इसलिए कि आज हम खुद आज कई मार्केट घूमे, मुंबई शहर में कई मार्केट में गए, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्दी थी। तो ऐसे मार्केट्स के अंदर जो है बहुत लिमिटेड लोगों को छोड़ा जाएगा, या ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ पे लोग फिर भी नहीं माने तो लोकल अधिकारी उसको पूरा शट डाउन करने का उसको अख्तियार रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है, लेकिन उद्धव सरकार के इस फैसले का सरकार में शामिल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने होटल वालों पर सख्ती बढ़ाने पर नाराजगी जताई और उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपने फैसले पर विचार करने की मांग की। जब 9 महीने तक लगातार तबाही और बर्बादी के बाद ये खड़े हो रहे थे, फिर अचानक इस प्रकार का एक लॉकडाउन लाना कि सारे होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत फैसला है। एक प्रोडक्टिव सेक्टर है, ऐसे प्रोडक्टिव सेक्टर को काम करते रहना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो अपना एक एक, एक जो अपना सर्कुलर जारी किया उससे बोला कि अर्थचक्र को हम टूटने नहीं देंगे और बेरोजगारी नहीं बढ़ने देंगे, और इस सेक्टर के ऊपर जो हमला हुआ है उससे अर्थचक्र टूट रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश है कि होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस को राहत दीजिए। एक दूसरी बात, जो आपने जो नाइट कर्फ्यू का इंतजाम किया है, कुछ नहीं, पूरी दुनिया से मत सीखिए, उड़ीसा से सीखिए। उड़ीसा में जो नाइट कर्फ्यू का आयोजन है वो है रात को 10 बजे के बाद शुरू हो रहा है, तो यहां पर भी रात को 10 बजे के बाद शुरू होना चाहिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर अक्षय कुमार से जुड़ी हुई। बड़ी खबर है कि कोरोना की चपेट में आए अक्षय कुमार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक दिन पहले ही अक्षय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसके बाद वो घर में ही क्वारंटीन हो गए थे, और ऐसे में उनकी टीम के अन्य सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिसमें से करीब 45 जूनियर आर्टिस्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को तुरंत क्वारंटीन कर दिया गया है। अक्षय फिल्म राम सेतु की शूटिंग कर रहे थे और जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने पहले तो खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया था, लेकिन अब यह जानकारी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो अस्पताल में भर्ती हुए हैं अक्षय कुमार, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, ये देखिए ट्वीट कर अक्षय कुमार ने खुद ये जानकारी दी कि वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इस सबके बीच आपको यह भी बता दें कि फिल्म राम सेतु की शूटिंग में जो उनके सहयोगी उनके साथ काम कर रहे थे, तकरीबन 45 कलाकार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर कोरोना की चपेट में आ गई हैं। भूमि ने इंस्टाग्राम पर इस बारे में जानकारी दी। भूमि फिलहाल घर पर ही डॉक्टर की निगरानी में सारे एहतियात बरत रही हैं, और साथ ही भूमि ने हाल ही में उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने के लिए भी कहा है। भूमि ने लोगों से कोरोना को लाइटली ना लेने की भी अपील की। लगता है फिल्म इंडस्ट्री में कोरोना विस्फोट हो गया है, तभी तो हर घंटे के साथ नए चेहरे इसकी चपेट में आ गए हैं। अब कोरोना की चपेट में आने वालों में विक्की कौशल का नाम भी जुड़ गया है। विक्की ने इंस्टाग्राम पर खुद इस बारे में जानकारी दी। विक्की कौशल ने लिखा कि तमाम सावधानियों के बावजूद वो कोरोना की चपेट में आ गए। विक्की फिलहाल घर पर ही क्वारंटीन है। तो एक तरफ भूमि पेडनेकर ने भी इंस्टाग्राम पर जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है लेकिन घर पर क्वारंटीन है, डॉक्टर की निगरानी में एहतियात बरत रही है, तो वहीं विक्की कौशल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनकी तरफ से भी इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी गई। अभिषेक लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अभिषेक, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि देखिए पहले लोगों से अपील की, लोग नहीं माने तो नियम को सख्त कर दिया गया। जब नियम नहीं माने जा रहे हैं तो वो तो जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है। असलम शेख भी इसी बात को कह रहे थे कि स्थानीय प्रशासन इन नियमों का पालन करवाए, लेकिन अगर स्थानीय प्रशासन जमीन पर ना दिखे तो उसके लिए कार्रवाई का क्या प्रावधान, और क्या दिख रहे हैं अधिकारी सड़क पर? बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन जमीन पर नहीं नजर आ रहा है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये लोखंडवाला मार्केट का मेन सर्कल है जहाँ पर कई सारी अनियमितताएं हो रही है, लेकिन कहीं पे भी आपको अधिकारी कर्मचारी नहीं मिल रहे। हालांकि जो जिम या जो ऐसी चीजें हैं जिनको सरकार ने स्ट्रिक्टली बैन किया है उसको फिलहाल आज सुबह से बैन कर दिया गया है। मैं ऐसे ही एक जिम सेंटर के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर फिलहाल शटर डाउन कर दिया गया है, और अब यहाँ पर जो रोज जिम करके जाने वाले लोग थे उनको फिलहाल आना अलाउड नहीं किया गया है, और कहा गया है कि जब तक अगला आदेश जारी ना हो तब तक लोग ना आए। लेकिन इस तरफ दूसरी तरफ तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि ना तो भीड़ में कमी है ना ही किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस है। उसको आप देखिए कि किस तरीके से लोग बिना मास्क
घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि जमीन पर प्रशासन, जिसकी जिम्मेदारी है कि सरकार की इस गाइडलाइन को कैसे फॉलो कराया जाए, वो नहीं नजर आ रहा। शायद यही वजह है कि लोग अपनी जिम्मेदारियां खुद नहीं समझ रहे हैं, और जिस तरीके के केसेस सामने आए हैं उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं गायत्री कि आने वाले समय में जो विस्फोट हो रहा है, कोरोना विस्फोट महाराष्ट्र में, उसका असर पूरे देश भर में देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मजदूर या दूसरे लोग यहां से जाना शुरू कर चुके हैं उससे उसका असर दूसरी जगहों पर होगा। और जो स्थिति महाराष्ट्र की बनी हुई है, क्योंकि पहले फेज के दौरान भी महाराष्ट्र से ही कोरोना का सबसे ज्यादा कहर फूटा था और पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में गया था, इसीलिए महाराष्ट्र से बगल की सीमाओं को सील किया गया है। हर जगहों पर कहीं न कहीं दूसरे राज्यों ने रिस्ट्रिक्शंस ला दिए हैं। लेकिन जो मजदूर जा रहे हैं, जो मजदूर जा रहे हैं अभिषेक, उनको लेकर भी किस तरीके के कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाए हैं, उस पर हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन बता दें कि लोगों की लापरवाही लॉकडाउन लगवा कर रहेगी, ऐसा लग रहा है। अब मुंबई के दादर इलाके की बात करें तो शिवाजी पार्क की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम अपील और मनाही के बावजूद लोग मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार ने खेल के मैदानों को बंद करने का फैसला लिया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने पहुंच गए। सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक पर भी निकल गए बिना मास्क के। दादर सब्जी मंडी की इन तस्वीरों को देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ कोरोना ने कहर मचा रखा है। इतने लापरवाह लोग, ये तीन तस्वीरें इस पूरी लापरवाही को दिखाते हुए, ये प्लेग्राउंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच भी कई जगहों पर लोग मॉर्निंग वॉक पर निकल गए, पुलिस भी जरूर नजर आई, लेकिन कुछ एक जगहों पर पुलिस इस तरीके से मुस्तैद दिखाई दी। और ये देखिए भीड़ की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने आज से कड़े नियम और पाबंदियां लागू कर दिया है। सबसे अहम चीज ये कि जो प्लेग्राउंड्स हैं उसे बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा हो रही थी। मैं इस वक्त दादर के शिवाजी पार्क के मैदान में मौजूद हूँ, और आप देखिए आम तौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं सुबह सुबह क्रिकेट खेलने के लिए, अन्य स्पोर्ट्स खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं, और काफी भीड़ देखी जाती है। कल न्यूज 18 इंडिया की टीम ने दिखाया था कि किस तरह की गर्दी जो है इस मैदान में देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है यहाँ पर मैदान को खाली करा दिया गया है। सुबह लोग जरूर खेल रहे थे, लेकिन पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और उन्होंने मैदान को खाली कराया है। यानी आज से जो पाबंदियां हैं प्लेग्राउंड्स को बंद करने की, वो शुरू हो गई हैं। 30 अप्रैल तक ये नियम कानून जो बनाए गए हैं वो जारी रहेंगे। से में देखना अहम ये होगा कि जो सरकार ने कड़ी पाबंदियां और नियम बनाए हैं उसका पालन कितना लोग करते हैं। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते, खराब होते हालात के चलते सरकार ने आज से कड़े नियम और पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है, लेकिन उसके ठीक उलट मुंबई के दादर सब्जी मंडी की जो तस्वीर है वो हर दिन की तरह उसी तरह है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हर दिन की तरह भीड़ इकट्ठा हुई है, और भीड़ में जो सरकार ने फैसला किया है कि लोग नियमों का पालन करें, उस नियम का पालन फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा। जो तस्वीरें हैं वो ये बताएंगी कि आखिर क्यों मुंबई में कोरोना के केसेज इस वक्त बेहद ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आपने मास्क नहीं लगाया सर? लगाया ना, गिर गया मास्क। लगाया ना, गिर गया सर। आज से कर्फ्यू लग रहा है, आपको पता है? ठीक है, गिर गया सर, वैसे नहीं, अभी गिरा, मास्क लगाया था। तो साफ तौर पर नियमों का जो उल्लंघन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और यही वजह है कि जो हालात लगातार बने हुए हैं मुंबई में वो बने हुए हैं, और यही वजह है कि 11,000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में मुंबई में सामने आए हैं। सबसे अहम चीज ये कि सरकार ने आज से कड़े नियम और पाबंदियां लगाई है, लेकिन उसका पालन कितना होता है लोगों के द्वारा ये देखना बेहद अहम होगा। सबसे पहले नियम और कानून तो लागू कर दिया है, पाबंदियां कड़ी लगा दी हैं, लेकिन पालन कितना होता है उसका ये देखना सबसे अहम होगा। किसी भी जगह लॉकडाउन लगाने से सबसे ज्यादा नुकसान रोज कमाई कर रहे लोगों पर पड़ता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उद्धव सरकार ने जो सख्ती बढ़ाई है उसका मुंबई के ऑटो वाले स्वागत करते नजर आए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि जान है तो जहान है। हालांकि इन लोगों ने सरकार से पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाने की अपील की है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें ऑटो रिक्शा में अब एक यात्री कम लेकर जाना होगा, यानी ड्राइवर प्लस दो। इसको लेकर ऑटो रिक्शा वाले क्या सोचते हैं, मैं इस समय खड़ा हूँ कांदीवली इलाके में, तमाम सारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पर हमारे साथ हैं।
हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं सरकार का जो फैसला है उसको वो लोग कैसे देखते हैं। आप बताएं सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं जब उन्होंने कहा कि एक पैसेंजर अब आपको कम ले जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, सरकार तो हमारे लिए ही सारे वर्क कर रही है, हम लोगों की सुरक्षा और को ध्यान में रख करके किसी तरह का हम लोगों का विरोधाभास इसके लिए नहीं है, बदलते हमारी चिंताओं को थोड़ा ध्यान में रखा जाए, पूरी तरीके से बंद ना किया जाए, इसको लेकर आप लोग मांग कर क्या करते हैं, क्या मांग करते हैं? पूरी तरीके से बंद हो जाएगा सर, अच्छा तो खाने में मने लगेंगे, थोड़ा बहुत चालू रहेगा तो हम लोग भी खा जी लेंगे। ऑटो रिक्शा चालक हैं जो कह रहे हैं कि सरकार का जो नियम है वो सही है और ऐसे समय में जब कोरोना पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है तो इस तरीके के नियम लाने आवश्यक थे। हालांकि उन्होंने सरकार से जो गुजारिश की है कि पूरी तरीके से ऑटो और टैक्सी बंद न किया जाए क्योंकि उसका सीधा असर उनके जीवन यापन से पड़ेगा और उनको आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। कैमरे क्रम के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज 18 इंडिया। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की पहली वैक्सीन ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह अस्पताल पहुंचे और कोरोना वैक्सीन की उन्होंने पहली डोज ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोरोना की पहली डोज ली है। यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और हम लोगों को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ इस वैक्सीन को लेना चाहिए, लेकिन जो प्रोटोकॉल बनाया गया है हम उसका पालन जरूर करें। मेरी बारी जब आई तब मैंने अपना वैक्सीन लिया और वैक्सीन के बारे में जो अब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है, हमें इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें। सर को वैक्सीन की पहली डोज लगी है जो 0.5 में लगती है, जब सेकेंड डोज जो लगेगी वो 4 मई 2021 को लगेगी। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा लेकिन बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सर अच्छे हैं। हाँ जी सर, पहले सर ने मुझसे जानकारी ली कि मतलब वैक्सीन के बारे में बताइए, तो सर पूरा बताया है। फिर उसके बाद सर ने पूछा कि मतलब नाश्ता, फिर उन्होंने अपने बारे में बताया, फिर सर ने अच्छे से डोज लगाई और उसके बाद सर काफी खुश हुए हैं। आधे घंटे वेटिंग एरिया में जैसे आम पब्लिक वेट करते उसी तरीके से वेट करके गए हैं और धन्यवाद करा है सभी पैरामेडिकल्स वगैरह हॉस्पिटल्स का सबका। तो मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की कि जो इस कैटेगरी में दूसरे चरण में आते हैं वो भी वैक्सीन लगवाएं, लेकिन इस सबके बीच कई सख्ती भी उत्तर प्रदेश में जारी की गई है, लगाई गई है, लागू की गई है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, वहां की तस्वीर जरा दिखाइए, लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी लगातार जागरूक किया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि कड़ाई का भी पालन करना होगा दवाई के साथ साथ, इस सबके बीच क्या तस्वीर वहां पर? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, बिना सख्ती के यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है और इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजियाबाद के आदित्य मॉल के बाहर की तस्वीर है। ये एक बैंक के बाहर लगी लंबी लाइन है क्योंकि यहाँ पर आज कवायद यही है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में रखना होगा, साथ ही लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई है और बैंक के अंदर सिर्फ उतने ही लोगों को रखा गया है जितने लोगों की कैपेसिटी है। और यही आदेश जो एक दिन पहले जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे जो गाजियाबाद के हैं उनकी तरफ से कहा गया था। इस पूरे मॉल में किस तरह की यहाँ पर तैयारी की गई है, बात करने के लिए हमारे साथ मैनेजर हैं आशीष जी, ये बताइए ये क्या कवायद कब से शुरू हुई है दोबारा? ये करीब पिछले 6-7 दिन से चल रहा है, लेकिन हाल ही में जैसे जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो हमने सबको इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। तो गाजियाबाद में भी आपको बता दें सख्ती लागू की गई है और उस सख्त नियमों के साथ साथ लोगों से भी अपील की गई है कि लोग भी इन तमाम नियमों का पालन करें। कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी अहमदाबाद की कंपनी जाइडस कैंडिला ने यह दावा किया है कि उसकी वैक्सीन अल्फा 2B जल्द कोरोना मरीजों को ठीक करती है। कंपनी का यह भी दावा है कि कोरोना होने के शुरुआती वक्त में इसके इस्तेमाल से खतरा कम हो जाता है। जाइडस कैंडिला के मुताबिक कोरोना में फेफड़ों के इन्फेक्शन का खतरा रहता है और दावा यह किया गया है कि वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद यह खतरा काफी कम हो जाएगा। साथ ही कंपनी ये भी दावा कर रही है कि उसकी वैक्सीन शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होने देती। जाइडस ने DGCI से वैक्सीन को अप्रूवल देने की मांग की है। देश की बड़ी दवा कंपनियों में शुमार जाइडस कैडिला की वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल भी हो चुका है पूरा। जनक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जाइडस कैडिला की तरफ से क्या कहा गया है जनक?
देखिए, एक बड़ी बात कही गई है कि जो अल्फा 2B नाम का जो इंजेक्शन है वो अगर शुरुआती दौर में, चूंकि ज्यादातर गायत्री जो लोगों की मौत हो रही है सबसे ज्यादा जो संक्रमण के चलते, वो फेफड़ों में जब संक्रमण फैलता है और उसके चलते सांस लेने में दिक्कत होती है और निमोनिया होने के बाद व्यक्ति की मौत होती है, तो ऐसे में ये जो दवाई का, जो कंपनी का दावा है कि ये दवाई जब पहले जैसे ही कोरोना होने पर ये जो अगर सिंगल शॉट दिया जाता है तो वो जो संक्रमण है वो गले तक रहता है और उसको फेफड़े तक जाने नहीं देता, ये सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। और अगर फेफड़े में नहीं जाता तो व्यक्ति आराम से 5 से 6 दिन में स्वस्थ हो जाता है, ये कंपनी की ओर से दावा किया गया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसकी आधिकारिक घोषणा आज कभी भी हो सकती है, तो ये जाइडस की ओर से कहा गया है। तो जाइडस कैडिला की तरफ से ये दावा कि उसकी वैक्सीन जल्द कोरोना मरीजों को ठीक करती है और इसके इस्तेमाल से खतरा कम हो जाता है।